हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस जी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2022 दोस्तों टॉप 30+ क्वेश्चंस लेके आए हैं हम आपके लिए। जीके का ये 30+ क्वेश्चंस है दोस्तों आपके उत्तराखंड पुलिस, UK SSSC, UK PSC। आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपने सही वीडियो चुना है। ठीक है दोस्तों, आज हम उत्तराखंड पुलिस का जो ये जनरल नॉलेज का सेक्शन है, हमने उत्तराखंड जी के इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट थर्ड में हम मॉक टेस्ट थर्ड में हमने आपको सारी चीज़ सारे क्वेश्चन सारे बताए आपको। ठीक है तो दोस्तों, ये 30+ क्वेश्चन है आपके। देखिए हर दिन आपको हम एक एक वीडियो लाएंगे जिसके अंदर हम न्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो सेशन को अच्छे से देखें। ठीक है दोस्तों, जो चैनल पर नया है दोस्तों, प्लीज़ वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमें सपोर्ट मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारी वीडियोस देखता है, पढ़ता है। ठीक है यार, दुनिया भर का नॉलेज है हर जगह। ठीक है, बट आपको किस माध्यम से समझ में आ रहा है, ठीक है, किस तरीके से, वो मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत में TV पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर, ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपके, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिमा पूरी। ठीक है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, प्रतिमा पूरी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इन्फ्रारेड एनर्जी फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ इन्फ्रारेड एनर्जी। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको सबसे प्यारा क्वेश्चन है ये, ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय शैल चट्टान। तीन प्रकार की चट्टानें होती है, रूपांतरित, ठीक है, अवसादी और आग्नेय। ठीक है दोस्तों, क्या है, अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित। ठीक है, चट्टाने के ये हुआ है आपके। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है, तो कौन सी घटना होती है? प्यारे बच्चों, ये पूर्व आर्कटिक, ठीक है, पूर्व आर्कटिक वृत्त की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करते हैं, कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर दीजिए, कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शास्त्रीय गायन। ठीक है प्यारे बच्चों, शास्त्रीय गायन। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे बच्चों, कहाँ पर है, आबूधाबी पर्वत पे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया? तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है, ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो ये प्यारे बच्चों, किसके द्वारा की जाती है, वाणिज्यिक क्षेत्रों के द्वारा, वाणिज्यिक बैंक जो होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? प्यारे बच्चों, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1935। ठीक है दोस्तों, डेट इसका पूरा देख लेते हैं, 1 जनवरी 1935 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान वायुमंडलीय जवाब वाले क्षेत्रों को मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे कहते हैं हम आपका समदाब रेखा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन 30, भारत का राष्ट्रीय खेल पता होगा आपको, हॉकी है। ठीक है,
और उत्तराखंड का क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। क्या है दोस्तों, आपने कॉइन देखा होगा उस पर क्या है, अशोक चक्र रहता है। ठीक है, शेर को, शेर के दांत खोलते हुए दिखाते हैं। बात करते हैं भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। लक्ष्मी बैंक, खरगोन जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री वो थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है प्यारे बच्चों, वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया, जनरल डायर। कौन थे, जनरल ओ डायर। अगला है, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है, जो कश्मीर घाटी वो कौन से स्वरूप में स्थित है। प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए, कंगरा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, कंगरा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उसको शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो दिल से यार, दिल से ना एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों चैनल को। ठीक है, एक बार आप हम पे भी ट्रस्ट करें, ठीक है, हमें भी एक मौका दें। ठीक है, तो सभी के सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो प्यारे बच्चों मुगल काल की जो राजभाषा है वो कौन सी है, फारसी। क्या है प्यारे बच्चों, फारसी। अगले प्रश्न की ओर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ये प्रश्न तो सभी को आता है, क्योंकि ये जो नारा दिया है ये कौन थे, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है प्यारे बच्चों, दाभोल महाराष्ट्र। ठीक है, अब अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपका, भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किससे जाना जाता है। तो ये जिब्राल्टर को, सबसे छोटी सीमा वाला देश भी है ये, याद रखना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, इनसेट दो ई कहाँ प्रक्षेपित किया गया। तो इनसेट ई दो कहाँ पे प्रक्षेपित किया गया था प्यारे बच्चों, कोरू। कहाँ पे, कोरू। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत में फूलों की घाटी कहाँ है प्यारे बच्चों। यह है उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है, जंबो कौन है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। तो क्या है आपके, अनिल कुंबले। हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है, देखिए प्यारे बच्चों हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं, तो आपको आंसर बताना है, ये किसके होते बने हुए, नाइक्रोम के। ठीक है, नाइक्रोम के। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन है, क्या कौन थे। तो ये कौन थे प्यारे बच्चों, आपको आंसर करके देना है, हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म होती है, क्यों होती है वायु राशि, पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। ठीक है, जो रेडिएशन आता है उसका। ठीक है, नील नदी का स्रोत क्या है। तो प्यारे बच्चों क्या है नील नदी का स्रोत, यह है लेक विक्टोरिया। क्या, झील विक्टोरिया, विक्टोरिया झील है ना, तो वही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर प्यारे बच्चों, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा है। तो भारत के शहर की बात करें तो मैं मुंबई। ठीक है, अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो तेल अवीव, क्या है, तेल अवीव, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहने का, होटल वगैरह वहाँ पे स्टे करना, वहाँ सबसे ज़्यादा महंगा है कॉस्ट के मामले में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, फेरा का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, फेरा का अर्थ क्या होता है, ये फॉरेन जो करेंसी होती है उसका ये एक्सचेंज होता है, विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं
आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में है? तो प्यारे बच्चों, ये आनंद जो फार्म है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इन एनक्वायरी इनर्ट द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ये कौन है? स्मिथ, एन स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, परिभाषिक शब्द उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो ये क्या है दोस्तों, ये एक क्या होता है, पर्यव सिद्धांत। ठीक है, किसी पर्य द्वारा प्रदंत संतुष्टि होती है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगले हैं, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? किसके? ब्रिक के बनाए जाते थे, ब्रिक यानी कि ईंट के बनाए जाते थे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनाम भूमि किसे दी जाती है? तो ये किसको दी जाती थी? विद्वान जो स्कॉलर होते थे, स्कॉलर होते थे एंड रिलीजियस पर्सन होते थे, धार्मिक व्यक्ति होते थे, उनको दी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? प्यारे बच्चों ये तो पता होगा आपको, केला होता है, ऐसा कदली होती है। ठीक है, कदली फलम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले, यार सेशन अच्छा लग रहा है, दिल से बोलना, सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक अपना प्यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा रिक्वेस्ट करना अच्छी नहीं होता। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो तभी करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप माजुली असम के किस जिले में है? तो किस जिले में प्यारे बच्चों? पातालपुरी में। ठीक है, पातालपुरी में। ठीक है प्यारे बच्चों, सेशन अच्छा लग रहा है आपको आई होप, तो देखें अच्छे से बिना स्किप करें। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा अधिकतम होती है? धातु में होती है प्यारे बच्चों, पता है आपको, लेकिन स्टील किस में होती है सबसे ज़्यादा? स्टील में होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है भविष्य की धातु? तो ये टाइटेनियम को कहा जाता है। किसे? टाइटेनियम। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है वॉशिंगटन DC। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है प्यारे बच्चों। कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत में पिन कोड का आरंभ 1972, 15 अगस्त 1972, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ SSC में भी आ जाती है, पर उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में संभावना है आ जाए। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? पंडित कौन है? रविशंकर, पंडित रविशंकर। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपके हमने 30+ क्वेश्चंस कवर किए हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको ये 30+ क्वेश्चंस का सीरीज़ पसंद आया दोस्तों, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, एंड अगर आपको ये पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो ठीक है, आप हमारे साथ, हमने ईमेल भी यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, आप ईमेल के थ्रू हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप इसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चैनल है सरकारी प्रूडेंस 37 दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम नॉलेज के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, पार्ट 5 में मिलते हैं, मॉक टेस्ट नंबर 5 के। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको GK का पार्ट 5 लेके आएंगे दोस्तों। एंड अगर आप चाहते हैं कि सर हिंदी का भी लाएं सेशन,
तो मुझे आप कमेंट कीजिए कि सर हिंदी के ऊपर भी वीडियो बने, ठीक है। हिंदी के ऊपर जीके का चल रहा है आपका, उत्तराखंड जीके एंड वर्ल्ड जीके भी ला रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है, जिसमें इंडिया का जीके है सॉरी, और हिंदी का भी चल रहा है आपका, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जैसी भी आपकी राय वो कमेंट बॉक्स में बताना प्यारे बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो कार्यक्रम तो एक दिल से लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।